गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे के समथिंग, और यहाँ पे कुछ ट्रेड्स लिए थे मैंने अभी, और एग्जिट भी कर चुका हूँ मैं उनमें से। तो अभी देख लेते हैं टोटल प्रॉफिट जो आज का 4,000 के समथिंग है। और अभी लास्ट वाला जो ट्रेड था वो हमारा निफ्टी का था। निफ्टी में मैंने 18,650 का कॉल शॉर्ट किया था। तो 3 लॉट थे, छोटी सी क्वांटिटी में अपन ने 1,000 रुपीज़ के समथिंग बनाए। और ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक देखते हैं अपन चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी एक जो ट्रेंड लाइन बना रखी, मार्केट इसको फॉलो करते जा रहा था। यहाँ पे मार्केट ने लगभग इसी लेवल के समथिंग 18,660 के समथिंग इसका ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ पे जैसे ही इसने 2-3 कैंडल होल्ड की, और जैसे ही ये निकला, मैंने यहाँ पहले ही एंट्री ले ली थी। तो यहाँ पे अपना 1:1 का रिस्क लेके चला मैं। तो यहाँ पे मेरा यहाँ इस लेवल का SL था, और टारगेट भी इतना ही, मैं जल्दी भी निकल गया। तो ऑर्डर बुक में देख लेते हैं अपन। और हाँ, यहाँ पे एक लॉट यहाँ पे सेल किया मैंने, और दूसरा जो लॉट है मैंने यहाँ, और तीसरा लॉट तो मैंने लगभग इसी 70 रुपीज़, 72 के समथिंग सेल किया, और 66 में बाई कर लिया। तो लगभग अपने को 1,000 रुपीज़ के समथिंग प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी होती है उतना अपना अच्छा प्रॉफिट होता है, और इस ट्रेड में अपन बने भी रह सकते थे, क्योंकि अपना जो SL था यहाँ से, अब इस लेवल के लगभग जहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे अपना SL अपन शिफ्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ही ट्रेड लिया, और क्वांटिटी भी कम थी उस हिसाब से। तो ट्रेडिंग मतलब जितना अपन ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो चार्ट वगैरह को हमेशा सिंपल रखना है अपने को, और सिंपल वे में ही ट्रेडिंग को करना है। यहाँ पे सिंपल सा ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, होल्ड किया, और जैसे ही इस लेवल को निकाला अपन ने एंट्री ले ली। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पहले ही एंट्री बना ली थी। तो सिंपल, जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना आसानी होगी अपने को सीखने में। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।